एक छोटा सा मिथ है इसमें कि 90% लोगों को मालूम नहीं है कि फिटनेस क्या है। ये अगर कंफ्यूजन मतलब क्लियर हो जाएगा ना तो हर कोई फिट होने के लिए काम करेगा। सिंपल चीज है कि हर एक को लगता है कि फिटनेस मतलब बॉडी बिल्डिंग, हर एक को लगता है कि फिटनेस मतलब योगा ट्रेनिंग, हर एक को लगता है कि फिटनेस मतलब जुम्बा। तो सब लोग क्या बोलते हैं, सब लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो कुछ जुम्बा करने नहीं है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करना नहीं है तो मैं फिट क्यों। फिटनेस को कैटेगराइज किया गया है कि फिटनेस मतलब समथिंग यू हैव टू डू सम स्पोर्ट्स। तो एक चीज अगर एक बार क्लियर हो जाएगी फिटनेस क्या है कि जैसे आप कार की सर्विसिंग करते हो, क्यों? क्योंकि आपको फोन आ जाता है शोरूम से कि आपका कार का सर्विसिंग ड्यू है, तो आप आपका काम छोड़ोगे और कार का सर्विसिंग करोगे। क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है कि 99% लोग खुद के बॉडी का सर्विसिंग करते नहीं। बॉडी बिल्डिंग मैं मेरे बॉडी का चेकअप नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ कि मेरा टारगेट क्या है कि बॉडी बनाना। तो यहाँ पे अगर मैं दिख रहा हूँ अच्छे, इन सभी में अच्छे दिख रहा हूँ, लेकिन इनमें इनके जितना मैं फिट नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा बॉडी है बिकॉज ऑफ माई मसल, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मैं कर नहीं सकता। लेकिन देखते समय लोग मुझे क्या देखेंगे, ही इज द फिटेस्ट पर्सन। जैसे मिलिंद सर ही कैन रन अराउंड 20-30-40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, आई कांट रन ओनली 2 किलोमीटर। व्हाई? बिकॉज माई टारगेट इज टू बिल्ड द मसल्स, सो आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई हार्ट, आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई लंग्स। क्योंकि हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, ये चीज हो जाएगा क्लियर कि फिटनेस क्या है। और एक घर में पता चलेगा कि फिटनेस मतलब क्या, कि मुझे अगर 3-4 लोग बताएं कि व्हाट इज फिटनेस, फिटनेस मींस एजिलिटी, स्पीड, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, पावर, इंटेलिजेंस, नथिंग, नॉट ओनली वन थिंग। जो भी बताना मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या साइंटिफिक होता है ना, मैं वही बोल रहा हूं। आप फिटनेस थ्रू फिटनेस क्या है सर, सिंपल बता दो फिटनेस क्या है सर। जो स्टेट ऑफ माइंड, आप जो नॉर्मल आदमी है वो जो नहीं कर सकता है हम लोग वो कर सकते हैं, दैट इज फिटनेस। जैसे जो बंदा वर्कआउट नहीं कर सकता है, अगर मैं स्क्वाट करूंगा तो नॉर्मल बंदा स्क्वाट नहीं कर सकता, मतलब क्या कि हम लोग उनसे कुछ ज्यादा करें। तो ऐसा आना चाहिए कि हर चीज आप आसानी से कर सके, जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में है वो ज्यादा कर सके। सर आफ्टर दिस इवेंट द मीडिया इज गोइंग टू टॉक टू ऑल ऑफ यू, राइट? एंड यस, ही इज गोइंग टू टॉक टू ऑल, एवरीबॉडी कैन हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ फिटनेस, लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल सो दैट पीपल स्टार्ट एंड देयर इज समथिंग दैट गोस अहेड। इज एनएफटीसी हियर? यस सर। So what we are trying also to do is that at least for some of you, when you go back, we'll have a central camera team come to you and talk to you a few questions, and then we'll try and create that into a one-minute story of exactly how you said that, you know, there's a story of what made you what you are, right? What you went through, why did you take to run, why did you take to fitness? Why did you take to cross training? Why did you take to this after?
आजा जिंदे गामी आने के नजरी और नीले आसमाने के दर बीमारियों से यानी वेलनेस इज फार फार मोर चीपर देन इलनेस. तो हमेशा फिट रहिए और हमेशा तंदुरुस्त रहिए. शुरुआत आपकी घर से होनी चाहिए, तब जाके देश फिट होगा. ओके हाय. जैसे बाइसेप्स और एब्स ये फिटनेस नहीं है, वैसे जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी फिटनेस नहीं है. जैसे किसी को लीन होना है, किसी को बल्क होना है, दिस इज नॉट फिटनेस. फिटनेस वो है कि आप जो भी एक्टिविटी डेली करते हो वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए. जैसे आपको भागना, प्रॉपरली भागना आना चाहिए, बैठना आना चाहिए, और ये सब चीज़ें करते समय आपको किसी भी जॉइंट्स और किसी मसल में पेन नहीं होना चाहिए. दिस इज फिटनेस. सो हम फिट तो इंडिया फिट. जय हिंद. फिटनेस के बारे में क्या कह रहे हैं? नमस्ते. हम लोग आज यहाँ पे फिट इंडिया की प्रमोशन के लिए आए हैं. तो हर किसी को फिटनेस के बारे में बहुत सारे मिथ्स है कि बॉडी बिल्डिंग यानी फिटनेस, पावर लिफ्टिंग यानी फिटनेस, कौन सा भी स्पोर्ट्स करते हो तो उसे फिटनेस बोलते हो. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप एक बार फिट हो जाए उसके बाद आप कौन सा भी स्पोर्ट्स चॉइस कर सकते हो. तो फिटनेस यानी क्या है कि आपकी जो भी माइंड की पावर है और आपकी जो मसल्स की पावर है उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना, इसको फिटनेस बोलते हैं. क्योंकि अगर आपका माइंड और बॉडी का कनेक्शन नहीं रहेगा तो आप कौन सी भी चीज़ अच्छे तरीके से नहीं कर सकते. तो यही बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आए कि आपका माइंड और आपके मसल्स एक साथ काम करेंगे तभी आप हर कुछ काम फिट तरीके से कर सकते. तो अगर आपको फिट रहना है एटलीस्ट 20 मिनट आपको कोई भी आप कर सकते हो, गार्डन में टहल सकते हो, बट कुछ भी चीज़, कुछ भी एक्टिविटी आपको कंटिन्यूस 20 मिनट्स करनी चाहिए. सो दैट इज फिटनेस. सो गाइस बी फिट. अगर आप फिट रहोगे तो इंडिया फिट रहेगा.